हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉफ्टर चैनल में। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात करी थी एआई टोकन्स की, लेकिन वहां पे जितने भी कॉइन्स हमने डिस्कस किए थे लगभग सभी कॉइन्स का जो मार्केट कैप है वो बहुत ही ज्यादा हाई है, यानी कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स में ऑलरेडी उनका मार्केट कैप पहुंच चुका है। तो इसलिए आज हम बात करने वाले हैं लो मार्केट कैप वाले एआई कॉइन के बारे में, जो आपको बहुत ही जबरदस्त प्रॉफिट देने वाला है, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस होना चाहिए वो लो मार्केट कैप कॉइन्स के ऊपर होना चाहिए। अभी जो मार्केट अच्छी रिकवर हो रही है, इससे क्या है कि लो मार्केट कैप वाले कॉइन्स और भी तेजी से बढ़ने वाले हैं, और जो कॉइन्स ऑलरेडी बहुत ज्यादा हाई पहुंच चुके हैं, चाहे वो मार्केट कैप के हिसाब से या फिर प्राइस के हिसाब से, तो वो एक सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंच चुके हैं। तो उनमें जो हमें प्रॉफिट्स मिलेंगे वो बहुत ही लिमिटेड से मिलने वाले हैं, कुछ एक लेवल तक ही मिलने वाली हैं। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे कॉइन्स चूज करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है। वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, और इसी के साथ हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉफ्टेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा जहां पे मैं हर एक अपडेट सबसे पहले डालता हूं, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। तो अभी हमने देखा कि जो मार्केट फिर से रिकवर हुई है, यानी कि BTC 60,000-62,000 डॉलर के आसपास चल रहा था, अभी सडनली ये अगेन 67,000-68,000 के आसपास पहुंचा, और इससे सडनली क्या है कि ऑड कॉइंस भी अच्छे चलने शुरू हो चुके हैं। लेकिन अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो जो भी ट्रेंडिंग में अभी जो कैटेगरीज चल रही है उन्हीं में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है। लास्ट कुछ वीडियोस में मैं आपको बता रहा हूं कि सोलाना के इकोसिस्टम उसमें कौन से कॉइंस आ रहे हैं, मीम कॉइंस कौन कौन से अच्छे चल रहे हैं, सिमिलरली हम एआई की बात करने वाले हैं आज के दिन। तो एआई कॉइंस की भी बात करें तो लास्ट टाइम मैंने आपको काफी सारे कॉइंस बताए हैं, फॉर एग्जांपल हमने नियर प्रोटोकॉल की बात करी थी, फेच की बात करी थी, AGX की बात करी थी, ऐसे कुछ और कॉइंस भी हैं, फॉर एग्जांपल फ्लक्स है, ARKM है। तो उन कॉइंस का आपको मैं बता चुका हूं कि मार्केट कैप बहुत ज्यादा हाई है। अब हम बात करने वाले हैं एक टॉप मोस्ट AI बेस्ड कॉइन के बारे में, जो है वर्क के नाम से, यानी कि यहाँ पे वर्क ही इसका नाम है। एक्चुअल में इसकी जो मेन वेबसाइट है वो workx.io है। तो ये एक तरीके से ओपन एंड फ्री मार्केट प्लेस फॉर वर्क है, जिसमें आपको यहाँ पे काम मिलता है, यानी कि जॉब्स एंड वर्क्स यहाँ पे प्रोवाइड करी जाती हैं। तो ये फुली डिसेंट्रलाइज्ड जॉब इकोनॉमी है, जहाँ पे कमर्शियल फीस भी नहीं रहती, जो कि जनरली 30-40% रहती है। तो ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर कोई भी कमर्शियल फीस नहीं है, और ये टोटली AI पावर्ड है। अब सबसे बड़ी चीज़, जब भी आप अप्लाई करते हो कहीं पे भी जॉब, तो आपका नंबर कहीं से कहीं पहुंच जाता है, आपको कॉल्स आनी शुरू हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पे आपका जो करियर डेटा है वो आपके पास ही रहने वाला है, यानी कि यहाँ पे हर एक चीज़ सिक्योर रहने वाली है, वेरीफाइड रेफरेंसेस रहेंगे, अनबायस्ड हायरिंग होने वाली है, कोई भी बायसनेस नहीं रहेगी, और AI प्रोजेक्ट्स भी यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। अब अनबायस्ड की बात करें तो बहुत बार ऐसा होता है कि किसी और को चूज़ कर लिया जाता है, चाहे स्किल्स आपकी अच्छी हो, लेकिन फिर भी क्या है कि किसी और को जॉब मिल जाती है। तो वर्कएक्स इन चीज़ों को दूर करने के लिए अपना AI बेस्ड प्रोजेक्ट लेकर आया है, एंड इनका अपना कॉइन भी वर्क के नाम से, जिसकी वैल्यू की अगर हम बात करें तो अभी ये लगभग $0.4 के आसपास चल रहे हैं, एंड आई बिलीव कि इसमें बहुत ही बड़ी पोटेंशियल है, यहाँ से हमें 10x का प्रॉफिट बहुत ही ईजिली मिल सकता है। ऑलरेडी इसका जो ऑल टाइम हाई है पिछले एक साल का $1.8 के आसपास पहुंचा हुआ है। तो वर्क एक ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नया शुरू हुआ है और इसका कुछ है भी नहीं, तो यहाँ पे 50 से भी ज्यादा इसके स्ट्रेटजिक पार्टनर्स हैं, 950 मिलियन टोटल रीच हो चुके हैं, $3 मिलियन की इन्होंने फंडिंग रेज करी है, 2 लाख से भी ज्यादा इनके वेब विजिटर्स हैं, 1,30,000 से भी ज्यादा प्लेटफॉर्म यूजर्स हैं, यानी कि जो एक्चुअल यूजर्स हैं, 12 से भी ज्यादा यहाँ पे इनोवेटिव ग्रांट्स भी आई हैं। अब सबसे बड़ी चीज, जनरली हर किसी की चॉइस ये होती है कि वो बिग फोर में काम करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 52+ कॉर्पोरेट प्लानिंग्स कर चुके हैं कि वो वर्क एक्स को यूज करने वाले। तो कंपनी चाहे डेलिवर्ट की जैसी हो, KPMG या फिर PwC जैसी हो, तो यहाँ पे पार्टनरशिप्स काफी सारी होने वाली है, यहाँ पे वर्क एक्स को ही यूज किया जाएगा। तो टोटली डिसेंट्रलाइज्ड AI जॉब मैचिंग यहाँ पे रहने वाली है, आपको बताया कि यहाँ पे बायसनेस नहीं रहेगी, टैलेंट होगा तो जॉब मिलेगी ही मिलेगी। अब ये सब कुछ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो ये फ्यूचर है AI की, अगर हम बात करें वो भी, डिसेंट्रलाइजेशन की बात करें तो वो भी, क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो उस तरीके से भी। तो Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स अभी बन रहे हैं, कोई भी काम आप ले लो या तो वो AI से होने वाला है या फिर वो अपने आप में एक टोटली डिसेंट्रलाइज बनता जा रहा है। अब अगर कोई शुरुआत करेगा, पहला प्लेटफॉर्म लेकर आएगा, तो उनकी आज के समय में वैल्यू कम हो सकती है, मार्केट कैप की बात करें या फिर प्राइस की बात करें, लेकिन आने वाले समय में वैल्यू बहुत ही ज़्यादा ऊपर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही इनोवेटिव प्लेटफॉर्म बना है, कमर्शियल्स और मिडलमैन्स यहाँ पे इन्होंने हटा दिया है, जिससे क्या कि जो हायरिंग होती है या फिर जो जॉब्स दी जाती हैं वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव रहती हैं और सैलरीज भी अच्छी रहती हैं। तो आप सामने यहाँ पे पार्टनर्स मिल के देख सकते हो, Web2 के पार्टनर्स भी हैं, Web3 के भी हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज के साथ भी काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, यूरोपियन कमीशन है, NGI है, डीजी कैंपस है। इसी के साथ इनका जो इकोसिस्टम है अभी बहुत ही बड़ा बनता जा रहा है, जिसमें डच ब्लॉकचेन कोएलिशन भी है, और ये ट्रस्ट किया जाता है L-Bank जैसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के द्वारा, एंड ऑलरेडी आपको बता चुका हूं Deloitte जैसी कंपनीज के साथ भी ये काम कर रहे हैं। अब हम वर्कएक्स कॉइन की ही बात करते हैं, क्योंकि जो मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है, अगर ये प्रोजेक्ट अच्छा चलता है तो इसका इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, वो वर्कएक्स कॉइन के ऊपर ही आने वाला है। तो इसका जो टिकर है वो वर्क के नाम से WORK, अगर आप अभी सर्च करोगे
भी कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो आपको इजीली मिल जाएगा, सबसे ऊपर आपको यही मिलने वाला है। तो आपको वैल्यू बताएगी यहाँ पे 0.4 डॉलर के आसपास आपको मिलेगी। एंड लिस्टिंग इसकी ऑलरेडी अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर हो चुकी है, gate.io के ऊपर हुई है, क्यूकॉइन के ऊपर, MEXC के ऊपर हुई है। MEXC का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो MEXC के ऊपर आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। तो हमेशा जो अच्छे जेम कॉइन्स होते हैं वो ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर पहले आते हैं और उसके बाद धीरे धीरे बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल बाइनेंस के ऊपर या फिर OKX जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर आते हैं। तो अभी बिल्कुल सही मौका है, इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है सिर्फ और सिर्फ 100 मिलियन है, सर्कुलेटिंग सप्लाई 9.1 मिलियन के आसपास है, जो लगभग 10% सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में है। 37.9 मिलियन ऑलरेडी जो सप्लाई है वो लॉक करी जा चुकी है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी यूटिलिटीज हैं, काफ़ी सारे तरीके हैं अर्न करने की, सर्विसेज मिलने वाली हैं और हायरिंग के ऊपर भी अर्निंग होने वाली है, DAO गवर्नेंस भी रहने वाली है और वर्क टोकन तो आपको बता ही रहा हूँ कि इसमें हमें सबसे ज़्यादा फायदा इसी चीज़ से मिलने वाला है। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये 2017 से शुरू हुआ था, यही कारण है कि इस ये बहुत ही आगे ऑलरेडी पहुंच चुका है। तो यहाँ पे इनका जो इंटरनल प्री सीड राउंड वन हुआ था वो 2017 के आसपास होना शुरू हुआ था, जब इन्होंने वाइट पेपर भी लॉन्च किया था। फिर 2018, 19, 20, 21 यहाँ पे धीरे धीरे डेवलपमेंट चलती आ रही है और आज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2024 में अडॉप्शन फेज चल रहा है जिसमें बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर काम किया जा रहा है, AI डेवलपमेंट लॉन्च क्रिएट किए जा रहे हैं। 2025 में स्केलिंग फेज आएगा जिसमें असेसमेंट मार्केट प्राइस आएगी, डायनामिक फी मॉडल आएगा, इंटर एंटरप्राइज एल्गो आएगा और 2026 में DAO फेज आने वाला है। यही कारण है कि अभी इसकी जो लिस्टिंग है बहुत कम एक्सचेंजेस लेकिन अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर है। तो जनरली आप कोई और कॉइन देखोगे तो वो पैनकेक्स आपके ऊपर पहले आता है, तो यहाँ पे ये क्विकॉइन, gate.io, MEXC एंड Bilexi इनके ऊपर ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। तो अगर हम इसको टॉप AI बेस्ड कॉइन्स के साथ कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम फेच की ही बात कर लेते हैं जिसका प्राइस चल रहा है लगभग 2.6 डॉलर के आसपास एंड इसका जो मार्केट कैप है ऊपर नीचे चलता रहता है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कि वर्क कॉइन का जो मार्केट कैप है वो 3.6 मिलियन के आसपास है, जो अभी 3.9 मिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है, यानी कि लगभग 4 मिलियन डॉलर के आसपास है। तो आने वाले 12 महीनों के अंदर क्या होने वाला है कि अगर ये 10% भी पहुंच जाता है फेच कॉइन के मार्केट कैप के हिसाब से तो 79x तक मार्केट कैप इसका जाने वाला है, यानी कि 287 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है। अगर 50% भी पहुंचता है तो 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच जाएगा, यानी कि 398x वैल्यू पहुंच जाएगी। और अगर ये 100% फेच जैसा परफॉर्म करता है तो 2.8 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंचेगा, यानी कि 797x इसकी वैल्यू जा सकती है। इन सिमिलर वे अगर हम AGIX के साथ कंपेयर करते हैं तो आने वाले 12 महीनों के अंदर अगर AGIX के हिसाब से 10% भी पहुंच जाता है तो 140 मिलियन डॉलर वैल्यू इसकी जाएगी, जो कि 39x तक हो सकती है। 50% जाए तो 700 मिलियन डॉलर तक जाएगी, जो कि लगभग 200x तक है। 100% अगर AGIX जितनी वैल्यू पहुंच जाती है तो 1.5 बिलियन डॉलर तक पहुंच सकता है, जो कि लगभग 390-400x तक इसकी वैल्यू पहुंच सकती है। यानी कि बहुत ही बड़ा एंड प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी इतने सालों से इसके ऊपर काम होता आ रहा है, यही कारण है कि अभी इसने मार्केट में बहुत अच्छा पैर जमा लिया है। एंड अगर हम डिसेंट्रलाइज्ड एंड वेब 3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें, AI बेस्ड प्रोजेक्ट्स की बात करें, तो हर तरीके से ये बहुत ही फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट है, जो कि कई सालों पहले शुरू किया गया था, यानी कि आज से 5-6 साल पहले शुरू किया गया था और आज ये इतना अच्छा परफॉर्म कर रहा है मार्केट में। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जरूर चेक करना workx.io, जिसके ऊपर पूरी डिटेल दी गई है, जहाँ पे हायरिंग्स की भी बात करी जा रही है, यानी कि हायरिंग्स भी यहाँ पे करी जा रही है। आप यहाँ पे टीम भी चेक कर सकते हो एंड न्यूज़ एंड प्रेस के ऊपर यहाँ पे डिटेल्स इसकी आती रहती हैं, अपडेट्स आती रहती हैं, जिसकी याहू फाइनेंस के ऊपर, फोर्ब्स के ऊपर, इसी के साथ इन्वेस्टिंग के ऊपर, bitcoin.com, बिजनेस इनसाइडर, तो यहाँ पे हर एक जगह पे इसकी बात करी जा रही है। एंड डेफिनेटली अभी जो बुल मार्केट आया तो बुल मार्केट से जो अच्छे प्रोजेक्ट हैं वही स्टैंड करने वाले हैं इस बुल मार्केट को। तो ट्विटर के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, मैं लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड आई होप कि आपको ये AI बेस्ड प्रोजेक्ट अच्छा लगा होगा। एंड अगर आपको ऐसे और AI बेस्ड प्रोजेक्ट चाहिए या फिर अच्छे प्रोजेक्ट चाहिए तो मैं टाइम टू टाइम आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स लाकर देता रहूंगा जिसमें बड़ी से बड़ी पोटेंशियल है और आप अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर पाओगे। कोई और प्रोजेक्ट के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट जरूर करो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। धन्यवाद।